चुनाव आचार संहिता के अंतिम चरण में कांग्रेस के साथ साथ भाजपा ने भी एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने राजस्थान के तीनों उपचुनावों में जीत हासिल करने का दावा किया। प्रदेश अध्यक्ष का कहना था कि अलवर और अजमेर लोकसभा और मांडलगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में जनता भाजपा के साथ है। पिछले चार साल में हुए विकास का पार्टी को फायदा मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हमेशा ये सोच रही है, हम हमारे देश का निर्माण करना चाहते हैं, राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। हम हमारे देश को शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। उसी दिशा में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कार्य किया और आज हम देखते हैं और आज पूरे देशवासी इस बात को महसूस करते हैं कि भारत वर्ष का मस्तक पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है। आज पूरा विश्व इस बात को महसूस करता है कि आने वाला समय भारत वर्ष का रहेगा और आने वाले समय में भारत वर्ष विश्व का शक्तिशाली देश बनेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। हमने इस देश में भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया, हमने इस देश में आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया, हमने गरीब के आंसू पोंछने का काम किया, गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का काम किया। जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, राजस्थान सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब को केंद्र बिंदु बनाकर के योजनाएं दी गई हैं जिसका सीधा का सीधा लाभ उस गरीब व्यक्ति को मिला है, उन योजनाओं के माध्यम से और हमारे द्वारा किए गए विकास के कामों के माध्यम से हम इन उपचुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं और निश्चित रूप से जनता का भी बड़ा ही सकारात्मक रुख भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहा है। और यहाँ की जनता इस बात को महसूस करती है कि जितना विकास का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया उतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि आंकड़ों के आधार पर आप आरोप लगाएं, कांग्रेस ने आज तक लोगों को गुमराह करने का काम किया। कांग्रेस ने आज तक देश को जातियों में बांट करके सत्ता को हथियाने का काम किया। कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से सत्ता को हथियाने का काम किया। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम देश की 125 करोड़ जनता को साथ लेकर के इस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं। राजस्थान प्रदेश में मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी 36 की 36 कौमों को साथ लेकर के इस राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वहीं भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने कई जगह नुक्कड़ सभाएं की। अलवर में लोगों से जनसंपर्क कर उन्हें विकास की तेज रफ्तार का भरोसा दिलाया।